नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकोज में। आज मैं आपको मेंबर प्रोफाइल पूरी तरह से भर के दिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको अगर कोई समस्या आ रही होगी तो उसका सलूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको एक पूरी मेंबर की प्रोफाइल भर के दिखा देती हूँ। जैसे हमारा एक समूह है तो हम इसके मेंबर पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारे कुछ मेंबर फिल हुए हैं और कुछ मेंबर इसमें छूटे हुए हैं, तो हम आपको एक मेंबर की प्रोफाइल भर के दिखा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहले से ही समूह रजिस्टर्ड हैं ब्लॉक द्वारा, तो उनमें आधार की स्वीकृति पहले से ही मिली हुई होती है, तो हमें यहाँ पे आधार को दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अनुसार जन्म तिथि ये सब पहले से ही होता है। केवल एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, जो कि फ़ोन नंबर फिल करने का है, तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देते हैं। अब हम इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे और मोबाइल नंबर किसका है। आपके परिवार में से किसी भी सदस्य का हो सकता है, यदि आपका स्वयं का है तो आप यहाँ पे स्वयं डालकर, और जो हम पहले एक सहमति प्रपत्र डाल रहे थे जो आधार कंसर्न फॉर्म के नाम से जाना जाता है, तो अब उसको हमें फिल करके इस पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑप्शन सरकार ने पहले ही यहाँ पर दे दिया है, जो कि नीचे लिखा है, मैं राज्य और केंद्र सरकारों और बैंकों द्वारा दी जाने वाली योजनाओं और विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण डुप्लीकेशन और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार विवरण का उपयोग करने के लिए डे NRLM सिस्टम को अनुमति देती हूँ या देता हूँ। मैं यह भी पुष्टि करती हूँ या करता हूँ कि सहमति प्रपत्र में मुझे स्थानीय भाषा में समझाया गया है। तो आपको जब तक इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे आपको ये ब्लू पॉइंट नहीं दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, फिर आधार को वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी आधार वेरीफाई है, तो इसलिए यहाँ पर डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अब फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो ब्लू पॉइंट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आता है बेसिक डिटेल, इसमें हमें सदस्य की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो कि हम सदस्य की फ़ोटो को यहाँ पर खींचेंगे फिर इसको अपलोड करेंगे। इस तरह से आप इसको क्रॉप करके फ़ोटो को अपलोड कीजिए और क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे शामिल होने की तारीख पहली दी होती है। इनकी पढ़ाई के विषय में हम लिख सकते हैं, जो भी इन्होंने कर रखा है पढ़ाई में आप उसको क्लिक करके ऐड कर दीजिए। इसमें हम उनकी विवाह की स्थिति को लिख देंगे। परिवार में अगर कोई बड़ा मेंबर है, माता हैं, पिता हैं या कोई भी है मुखिया, उनके विषय में लिखिए तो उनका नाम भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। यदि पति पत्नी हैं तो उनके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार ये पति पत्नी हैं तो इनके पति का नाम है यहाँ पर। जो धर्म है इनका हिंदू धर्म है, सामाजिक श्रेणी सामान्य श्रेणी है, और यदि कोई विकलांग सदस्य है तो उनके विषय में यहाँ लिखा जा सकता है। विकलांगता का प्रकार डालिए, किस तरह से विकलांग है, और यदि नहीं है तो कोई नहीं पर क्लिक कीजिए और इसको फिर सत्यापित कर दीजिए। फिर हम थर्ड डिटेल पे आएंगे, जो कि हमारी बैंक डिटेल है। इसमें हमें सबसे पहले जो काम करना है वो यहाँ पर करना है, IFSC कोड को आप दर्ज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि NRLM पोर्टल पे स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, जो कि कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको यहाँ पर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। उसके लिए आप अगर पूरी डिटेल पहले से भर देंगे फिर बाद में आपको पता चलेगा कि ये है ही नहीं बैंक इसमें, इसके पहले आप सबसे पहले IFSC कोड दर्ज कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ SIV002212 जी। तो हमने जैसे यहाँ पे डायल करके और हम इस पे सर्च करेंगे तो ये देखिए, अगर यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा तो ये खुद ब खुद यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा और बैंक की शाखा का नाम आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर अलाउ नहीं होगा बैंक, तो यहाँ पर ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि ये बैंक इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।
तब आप बाकी की डिटेल फिल कीजिए। जैसे कि खाता खोलने की तारीख है तो आप खाता खोलने की तारीख को फिल कर दीजिए, और जैसे फिर खाता संख्या है तो खाता संख्या को आप एंटर कर दीजिए। ये दो बार खाता संख्या एंटर होती है, एक बार आपको शो करेगी और एक बार आपको शो नहीं करेगी। पाँच, एक बार आपको खाता संख्या यहाँ पर शो करेगी और एक बार नहीं करेगी। इसलिए आप पहले इसी ऑप्शन को भर दीजिए जहाँ पे खाता संख्या शो कर रही है, फिर आप इस वाले ऑप्शन को भरिए जहाँ पे खाता संख्या शो नहीं करती है, ताकि आपको भरने में किसी तरह की कोई गलती ना हो। जी, तो यहाँ पर आप खाता संख्या फिल कीजिए, 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0। जी, अब इसको हमने पूरा फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम पासबुक के फ़ोटो का प्रिंट ले लेंगे एक, जो कि हमें यहाँ पर अपलोड करनी होती है। इस तरह से हम फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन आता है। आप इस फ़ोटो को पहले ऐसे क्रॉप कर दीजिए और इस तरह से क्रॉप करके इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे। इस प्रकार खाता खोलने की संख्या फिर से ऐड की, ये गलत डाल दी गई थी। तो ये है 2 9, ये देखिए यहाँ पर पूरी हमारी फिल हो गई। अब यहाँ पर हम आपको डिफ़ॉल्ट खाता, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है, तो हम इसे हाँ पे क्लिक करके सहेज देंगे। हमारा ये सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है, हमारी बैंक डिटेल। इसमें अगर एक बार बैंक डिटेल फिल हो जाती है तो हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है एड्रेस को फिल करने का। हम एड्रेस को फिल करेंगे, इसके लिए हमें प्रकार चुनना होगा कि उनका अपना खुद स्वयं का घर है, तो मुख्य प्रकार चुन लीजिए। इसमें हम उनका एड्रेस डाल देंगे। कुछ एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है, जो आपकी ग्राम पंचायत का नाम है, उपनगर का नाम है। हम यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और ये डाटा यहाँ पर सहेजा गया है। फोर्थ ऑप्शन एड्रेस हो गया, और आपका 5 ऑप्शन आता है केवाईसी के लिए। केवाईसी के लिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एनआरएलएम पोर्टल द्वारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक आईडी नंबर मिला हुआ है, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट 6 नंबर पर क्लिक करके आगे पहुँच जाना है। जैसे कोई भी समूह कोई भी गतिविधि करता है, यदि जैसे कि कृषि की गतिविधियाँ हैं या फिर अन्य जो भी कार्य करते हों, तो इस समूह में कृषि की गतिविधियाँ होती हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास कोई नहीं है, तो हम दूसरे ऑप्शन में ही दूसरी कोई आजीविका नहीं है ये डाल देंगे, तो थर्ड का ऑप्शन खुलेगा ही नहीं तृतीय आजीविका के लिए। ये इसकी सचिव हैं, तो उसमें ऑलरेडी आ चुका है कि वो सचिव हैं और हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। अब यहाँ पर हम इनकी डिटेल को सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आधार वेरीफाई में हमारा पूरा है, पूर्ण है डेटा। मूल विवरण में पूर्ण डेटा है, बैंक डिटेल में पूर्ण डेटा है, पते में हमारा पूर्ण डेटा है, केवाईसी के लिए आधार स्वीकृति हमें मिली हुई है, अधिक जानकारी अन्य जानकारी में भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे पूर्ण है। बीमा विवरण में इनका कोई बीमा नहीं है, इसलिए इस बीमा विवरण में कुछ नहीं दिया गया है, और अन्य विवरण में उसमें हमारी कोई ज्वाइनिंग डेट या निष्क्रिय तिथि नहीं है, तो ये भी। अब यहाँ पर सेव करके इसको सहमति देने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और फिर ठीक है के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये डेटा हमारे सदस्य का सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सदस्य की एंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।